असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया गया। राजधानी लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान में लाखों लोग रामलीला मंचन का लुत्फ उठाए। मंचन के बाद रावण का पुतला दहन किया गया। इस साल रावण पुतला दहन का थीम सनातन धर्म के विरोध का दामन रखी गई थी। मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। असत्य पे सत्य के विजय का प्रतीक विजयदशमी बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के रामलीला ग्राउंड पे तस्वीरें देखिए कि रामलीला ग्राउंड पे रावण दहन किया जा रहा है। ये मंच है, रामलीला मंचन अभी तुरंत कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है और मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे तमाम अतिथिगण, यहाँ पे ब्रजेश पाठक है, डिप्टी सीएम है, राज्यसभा सांसद पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक भारी भीड़ इकट्ठा यहाँ पे हुई है, भारी भीड़ इकट्ठा हुई है और यहाँ पे तमाम लोग जो है रामलीला मंचन का दृश्य देखने के लिए आए थे। लाखों की संख्या में आज यहाँ पे भीड़ होती है और इसी के साथ जो है विजयदशमी का हर्षोल्लास त्यौहार मनाया जा रहा है। कैमरामैन मुस्तफा के साथ घनश्याम निशान चौरसिया।